हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आप लोग का फॉर्म निकल के आया हुआ था मनरेगा के अंतर्गत पलामू जिले में, तो उसका स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ऑनलाइन करेंगे पूरा प्रोसेस बताएंगे आप लोग को इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर बता दिया किसका पोस्ट पे क्या आप लोग क्वालिफिकेशन है क्या नहीं, वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। टोटल 6 पोस्ट पे आप लोग का ये फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली फॉर्म फिलअप करने के लिए चल जाता हूँ। आप लोग कहाँ से फॉर्म फिलअप करना, सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आप लोग का अप्लाई RDT झारखंड लिख लेना है। उसके बाद पहला साइट दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग को अप्लाई करने के लिए इसी पेज पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे आप लोग देखो करंट ओपनिंग में आप लोग दिखेगा, आप लोग देखो यहाँ से यही वाला देखो पलामू डिस्ट्रिक्ट अंडर मनरेगा। सिंपली यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब तो सिंपली देखो यहाँ पे रजिस्टर वाले टैब पे आपको जाना है। फर्स्ट टाइम आप लोग देखो आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले टैब पे जाना है। रजिस्टर जब आपका हो जाएगा इसके बाद आप लोग यहीं पे आओगे, आप लोग यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन दिखेगा, आपको यहीं पे ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के और ये कैप्चा क्लिक करके लॉगिन करना है। पहले बताते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ से आप लोग को पासवर्ड बनाना है। तो सिंपली आप लोग को पहले यहाँ पे रजिस्टर टैब दिखेगा, पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप लोग को देखो कितना कितना पोस्ट है आप लोग देखने को मिलेगा। तो ग्राम रोजगार सेवक, ठीक है, ये पोस्ट है। जैसे कि मैं नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो कितना किसका क्वालिफिकेशन आप लोग देखने को मिलेगा देख पा रहे हो। जैसे कि ये देखो ग्राम रोजगार सेवक का आप लोग अनिवार्य होता है। मैंने टोटली पिछले वाले वीडियो में बताया बताया डिटेल से, आप लोग वो वीडियो देख लो तभी समझ में आएगा। तो मैं आप लोग को ये जो ग्राम रोजगार सेवक है उसका ऑनलाइन करके बताऊंगा किस तरह से कर सकते हो। सबका सेम ही प्रोसेस है, बट आप लोग एक ही स्टेप करना। देखो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट, यदि आप लोग 12th पास हो तो आप लोग ग्राम रोजगार सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हो, या मैट्रिक के पश्चात आप लोग ITI किए होंगे तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली बताऊंगा आप लोग को, तो यहाँ इस पेज पे आना। जैसे कि मैं आप लोग ग्राम रोजगार सेवक के लिए अप्लाई करके बताऊंगा, सिंपली यहाँ पे आना है आपको। इसके बाद आपको रजिस्टर टू अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि आपका भी रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो जितना भी मैं डाटा मतलब क्लिक कर रहा हूँ डेमो डाटा, आप लोग को सही डाटा क्लिक करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग का नाम लिख लेना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी दे देना है। फिर आप लोग यहाँ पे पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड आपको कन्फर्म कर लेना है। अब पासवर्ड किस तरह से बनाना है, पासवर्ड आप लोग का 8 करेक्टर का होना चाहिए, लेंथ आप लोग का कम से कम 8 होना चाहिए, ठीक है। और जिसमें आप लोग का एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, तभी आप लोग का पासवर्ड बनेगा। कहने का मतलब सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। यदि आप आपका नाम जैसे रोहित है तो ROHIT देखो, इसके बाद 123@, इस तरह से पासवर्ड बना सकते हो। तो इस पासवर्ड का खास बात यह है कि आप लोगों देखो अपर केस आ चुका है, लोअर केस आ चुका है, नंबर आ चुका है, स्पेशल कैरेक्टर आ चुका है। तो इस तरह से पासवर्ड बनाना है और मिनिमम आपको 8 बोला गया है, जो कि 5 3 8 9 हो चुका है मेरा। तो इजिली ये पासवर्ड मेरा वर्क कर जाएगा। सिंपली आपको ये पासवर्ड सेम टू सेम ऐसा पासवर्ड बना के दोनों टाइप कंफर्म कर लेना है। टोटल डिटेल भर के सिंपली आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जैसे ही आप लोग रजिस्टर नाउ करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आपको सिंपली ओके कर लेना है। इसके बाद आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको भी आपको लिख के रख लेना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक है फॉर लॉगिन वाले टैब पे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको यहाँ से आना है। यहाँ पे आप लोग को अब ईमेल आईडी और जो आप लोग को पासवर्ड बोले बनाने, उस तरह से पासवर्ड बना के ये कैप्चा क्लिक करके सिंपली आप लोग को लॉगिन हो जाना है। मैं लॉगिन करके बताता हूँ। जैसे आप लोग लॉगिन हो जाओगे, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको देखो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करोगे सेम टू सेम देखो अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। आप लोग अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना, क्योंकि हमको ग्राम रोजगार सेवक पे करना है। सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली हम यहाँ पे अप्लाई वाला ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखो आपको टोटल 7 स्टेप में पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है, तो हम लोग समझ लेते हैं। पहला आप लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, समझ लेते हैं यहाँ क्या क्या भरना है। यहाँ पे आप लोग को ऑटोमेटिक नाम शो करेगा, नाम आप लोग का भरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि मैं आप लोग ने रजिस्टर के टाइम पे फॉर्म फिलअप किए थे। इसके बाद यदि आप लोग लड़का हो तो सिंपली आप लोग अपना पापा का नाम लिख लेना है, ठीक है। और कोई महिला होगा तो हस्बैंड का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ माँ का नाम आप लोग को लिख देना अपना। इसका सिंपली कैटेगरी बता देना आप लोग जिस कैटेगरी से भर रहे हो, और इसमें कोई फीस नहीं लगता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी चाहते हो। लेकिन आप लोग यदि ST कुछ भी भरते होंगे तो आप लोग को क्या होगा, दिखाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट। मैं ST में भर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली आप लोग को लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रखना है आप लोग को। तो यहाँ पे ईमेल आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद आपको एड्रेस का सेक्शन दिखेगा, ये आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस है। अच्छा यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, यहाँ मेरिटल स्टेटस से बता देना आप लोग, मैरिड एड्रेस क्या हो आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन दिखेगा, आप लोग वो भी बता सकते हो। और यहाँ पे ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आप लोग का भरा हुआ नजर आएगा। तो सिंपली आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आप लोग को यहाँ पे एड्रेस क्लिक लेना है, ठीक है। मैं जितना भी डाटा क्लिक कर रहा हूँ डेमो डाटा, आप लोग सही डाटा क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद आप लोग जैसे ही देखो एड्रेस, इस तरह से आप लोग पूरा एड्रेस भर लेना। जैसे ही आप लोग एड्रेस भर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो आप लोग का एड्रेस का सेक्शन, यहाँ आप लोग पूरा आप लोग एड्रेस भर लेना है। आप टोटल एड्रेस, पोस्ट, थाना, विलेज आप लोग भर देना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर देना, यहाँ पे स्टेट भर देना, यहाँ पिन कोड भर देना। आप लोग का जो प्रेजेंट एड्रेस है सेम टू सेम आप लोग परमानेंट एड्रेस होगा, मतलब परमानेंट एड्रेस होगा, तो सिंपली सेम क्लिक कर सकते हो। या अलग अलग होगा तो अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो। तो अपने मतलब आप लोग देख लेना। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। इसके बाद सिंपली जैसे आप लोग नीचे आओगे तो नीचे आप लोग देखने को मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन। आपको डेट ऑफ बर्थ भी भरा हुआ नजर आएगा, बट आपको यहाँ पे प्रूफ डालना होगा। 10th का सर्टिफिकेट डाल सकते हो या मार्कशीट डाल सकते हो,
या आप लोग डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में कुछ डाल सकते हो, ठीक है। तो आधार कार्ड अभी जो है डाला नहीं आप लोग, क्योंकि आधार कार्ड अभी बर्थ प्रूफ के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ लिखा उठ रहा आधार कार्ड में कि आप बर्थ प्रूफ के लिए आधार नहीं यूज करें। तो कोशिश करें आप लोग 10 का सर्टिफिकेट दे या मार्कशीट दे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप लोग को पीडीएफ फॉर्मेट रखना है, 300 KB से कम रखना है। सिंपली आप लोग को चूज फाइल में जाना है इस तरह से, जहाँ आप लोग का फोल्डर होगा सिंपली आप यहाँ सेलेक्ट करना है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, आप लोग का पीडीएफ रख लेना है इस तरह से, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग अपलोड हो जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, साइड में आपको व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली व्यू करके देख लेना सही डाटा अपलोड हुआ कि नहीं। तो सिंपली आर यू फिजिकली मतलब आप लोग विकलांगता के बारे में बताना, यस नो, यदि नो होगा सिंपली नो कर देना, यदि यस करोगे आप लोग तो आगे और भी ऑप्शन खुलेगा, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, इसके बाद आप लोग सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा अपलोड करना होगा, नहीं होगा तो सिंपली आप लोग नो कर देना है, आप लोग का यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। इसके बाद सिंपली देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे पर्सनल इन्फो जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जितना भी इन्फॉर्मेशन था पर्सनल का, तो यहाँ देखो हरा कलर का नजर आ गया होगा आप लोगों को। अब सेकंड स्टेप में आप लोग आ चुके हैं क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में, सिंपली आप लोग को यहाँ पे आ जाना है। तब आप लोग देखो यहाँ पे भरना है आप लोग को सिंपली क्वालिफिकेशन आप लोग का, पहले देखो इस तरह से भरना आप लोग, इंटर भर देना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे बोर्ड बता देना है, आप लोग कोर्स टाइप बता देना, रेगुलर करना, यदि आप लोग कहीं कुछ पता नहीं था ईयर ऑफ पासिंग आप लोग बता देना, यहाँ पे बोर्ड आप लोग बता देना किस बोर्ड से पास किए थे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे, और 1 मिनट एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैंने ग्राम रोजगार सेवक के लिए मैंने भरा है, तो आपको 12th चाहिए, ठीक है। तो आपको इंटर सेलेक्ट करना है, यदि बाई चांस आप लोग 10th सेलेक्ट करते हो तो आपको नीचे जो आप लोग आईटीआई का भी डिटेल देना होगा, तो एक चीज का गलती नहीं करें, जैसे मैं इंटर लेवल से भरता हूँ, ठीक है। तो इंटर लेवल से यहाँ भरना है आप लोग को, यदि आप लोग 10th लेवल से भरे हो तो आप लोग आईटीआई भी होना चाहिए, एक चीज का ध्यान रखना, विदाउट सिर्फ 10th पास होकर आप लोग ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपली इंटर क्लियर कर दिया, बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, रेगुलर कर देना, ईयर ऑफ पासिंग बता देना आप लोग इंटर कब, आप लोग ईयर ऑफ पासिंग इंटर में कब किए थे वो बता देना है, या आप लोग परसेंटेज बता देना है, या आप लोग सब्जेक्ट बता देना है आप लोग इंटर में कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है। यहाँ पर जितना भी सब्जेक्ट है वो भी एंट्री कर सकते हो, इसके अलावा इस तरह से आप लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस भी एंट्री कर सकते हो। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोगों को मार्कशीट भी अपलोड करना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेम टू सेम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 300 KB से कम होना चाहिए। तो मैं दोनों चीज अपलोड कर लेता हूँ। जैसे आप लोग चूज फाइल से अपलोड करोगे तो इस तरह से जो अपलोड हो जाएगा आपका व्यू का सेक्शन दिखेगा, आप लोग व्यू करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद सिंपली देखो अदर हायर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ देख लेते हो आप लोग, इतना आप लोग का क्वालिफिकेशन यदि आप लोग का होगा तो दे सकते हो आप लोग, ठीक है। देखो इस तरह से इतना आप लोग देखने को मिलेगा, यदि आप लोग 10th से भरोगे तो आपको देखो यहाँ से आप लोग आईटीआई देना है, फिर आप लोग बोर्ड दे देना है, कब पास किए थे, परसेंटेज बता देना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यदि आप लोग 12th दे रहे हो तो सिंपली वो एक ही डिटेल करने के बाद सिंपली अपडेट क्वालिफिकेशन में कर देना है, आप लोग का आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली आप लोग देख पा रहे हो मेरा दूसरा डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग तीसरे स्टेप में आ चुके हैं इंप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग कहीं काम किए होंगे तो उसका डिटेल दे सकते हो, आप लोग इंप्लॉयर कहाँ कौन कंपनी था, किस पद पे थे, ज्वाइनिंग डेट आप लोग का कब खत्म हुआ था, तो इस तरह से आप लोग बता सकते हो, यहाँ डिटेल में भी कुछ लिख के बता सकते हो। नहीं होगा ये डिटेल आपके पास तो सिंपली देखो इसको स्किप करना है, आप लोग सिंपली सबमिट कर लेना है, ठीक है। होगा तो आप लोग दे सकते हो, एक से ज्यादा होगा तो ऐड एक्सपीरियंस करके भी आप लोग ऐड कर सकते हो, नहीं होगा तो सिंपली सबमिट कर लेना है। इसके बाद आप लोग जैसे अपडेट कर दोगे तो देख पा रहे ये भी आप लोग कंप्लीट हो गया है, तीसरा नंबर स्टेप। आप लोग चौथा नंबर स्टेप आप लोग रिजर्वेशन झारखंड वाले सबसे आ जाओगे तो आप लोग डोमिसाइल स्टेटस बताना है, क्योंकि झारखंड का फॉर्म सिंपली झारखंड सेलेक्ट कर लेना है या ऑटोमेटिक जो आप लोग कास्ट सेलेक्ट किए तो वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना, सर्टिफिकेट का नंबर दिखेगा आप लोग, जे एच करके कुछ दिखेगा वो आप लोग पूरा कर लेना है, या आप लोग इशू डेट कब इशू हुआ तो वो डेट देना है। फिर आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कहाँ का ये है। इसके बाद आप लोग इशूइंग अथॉरिटी डीसी एसडीओ बीडीओ सीओ कौन किया था वो बताना, सिंपली एसडीओ जो किया होगा या सिंपली 300 KB से कम होना चाहिए, आप लोग अपलोड कर लेना चूज फाइल करके, और अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। सेम टू सेम आप लोग एससी कास्ट सर्टिफिकेट कर देना, क्योंकि एससी से मैंने भरा, या आप लोग जनरल से भरते हो तो ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम आपको सर्टिफिकेट नंबर दे देना आप लोग को, जैसे करके कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे इशू डेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, यहाँ पे आप लोग कौन इशू किया था, और आप लोग वहाँ फाइल अपलोड कर लेना, सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, ये टू डिटेल भर के सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली देख पा रहे हो हम लोग पांचवा नंबर स्टेप में आ चुके हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे हो एफिडेविट करवाना है आप लोग को, जो कि शपथ पत्र है, मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बताया था आप लोग। देखो यहाँ नोटिफिकेशन है, तो आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे देखो एक शपथ पत्र है। तो आप लोग एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो आप लोग यहाँ पे शपथ पत्र भी आप लोग को लिखवाना होगा, जो कि आप लोग का नोटरी द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज आप लोग देख लेना है सिंपल, इसके बाद आपको जहाँ से आना है यहाँ पर शपथ पत्र अपलोड कर लेना है। बाई चांस मैंने पहला पोस्ट अप्लाई करो डायरेक्टली मैं सेव एनएस करता हूँ तो देखते आगे बढ़ता है, ठीक है। प्लीज अपलोड एफिडेविट तो नहीं बढ़ रहा था, आपको शपथ पत्र बनाना होगा, एक चीज का ध्यान रखना है, किसी नोटरी से आप लोग का शपथ पत्र बनाना होगा तभी आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको चूज फाइल में जाना है और आप लोग जहाँ शपथ पत्र रखे होंगे आप लोग अपलोड करना है, इस तरह से पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 300 KB से कम होना चाहिए, इसका सिंपली सेव एनएस कर लेना है। इसके बाद आप लोग प्लीज, अरे फिर से दिख रहा है, वेट, देखो इस तरह से अपलोड करना है, मैंने अपलोड वाला सेक्शन नहीं क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड क्लिक करना है आप लोग। इसके बाद आप अपलोड हो गया व्यू वाला आएगा, इसका सेव एनएस करना है। इसके बाद देखो हम लोग आखिरी स्टेप में आ चुके हैं, फोटो सिग्नेचर वाले स्टेप में, जो कि आप लोग देख पा रहे हो आप लोग का फोटो आप लोग का कितना 50 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर आप लोग का 20 KB से कम होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे चूज फाइल में जाना है आप लोग को, और जहाँ फोटो रखे होंगे इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लेना है,
और यहाँ पे अपलोड वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। देखो ये फोटो अपलोड हो गया, सेम टू सेम करके आप लोग को सिग्नेचर भी आप लोग को अपलोड करना होगा, सिंपली अपलोड कर लेना है इस तरह से। इसके बाद दोनों चीज़ अपलोड जैसे ही हो जाएगा, आप लोग सिंपली CMNS वाला ऑप्शन दिखेगा, आप लोगों को CMNS कर लेना है, और मैं जितना भी डाटा अपलोड करो डेमो डाटा है, ठीक है। इसके बाद टोटल डिटेल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, अपना टोटल डिटेल आप लोग देखने को मिल जाएगा, एक बार आप लोग चेक कर ले। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, इसके बाद टोटल डिटेल आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखेगा, इसे आपको टिक कर लेना है। इसका सिंपली आपको फिनिश वाला ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप लोग का फिनिश कर देना है। जैसे ही आप लोग फिनिश कर दोगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे आके प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको प्रिंट को रख लेना अच्छे से। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा किस तरह से आप लोग का पलामू डिस्ट्रिक्ट का मनरेगा का फॉर्म भरना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके दूर जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।